नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बेगम तलत मंजूर चीमा साहबा, जो कि उम्मीदवार हैं पी पी 51 की। तो इनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आपको सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। इस वक्त आपकी कैंपेन की क्या सूरत हाल है? बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, मुझे ना कुछ दो चार दिन पहले खबर मिली थी कि कुछ हालात ऐसे तब्दील हुए थे नून लीग के हलके में कि कुछ दरारें सी पड़ गई थी कि नून लीग के कुछ लोग जो है वो आगे पीछे हो रहे थे, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कोई बंदा नहीं आगे पीछे हो रहा, बल्कि आप कहेंगे ना एट पटियाँ वोट वो निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, तो आप जैसा कि सारा सबको पता है कि हुकूमती मशीनरी भी है, हुकूमत का अगर मामला जो हंदा नुमाइंदा होता है वो जीत भी सकता है, तो उस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? बिल्कुल भी नहीं जीत सकता, बिल्कुल भी नहीं। उस इश्तहार ज़्यादा लगने से अगर कोई जीतता हो ना तो फिर बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। वो आप लोग बात कर रहे होते हैं, पीछे जो गरीब लोग होते हैं ना उनके वोट होते हैं, वो पीछे से मुझे कह रहे थे कि बाजी फिक्र ना करें आप। और जितने भी गांव में मैं गई हूँ सब, बल्कि पूरे पूरे गांव जो है कोई मुखालफत नहीं है वहाँ। अच्छा, आपने कहा कि चार चीज़ों के वोट मिलेंगे, दो तो ठीक हो गई, एक शौकत मंजूर की कारकर्दगी की बहुत अच्छी कारकर्दगी है उनकी, दूसरा पार्टी के वोट हैं, तो दो जो जो बाकी दो सूरत हाल वो कैसे आप महसूस कर रहे हैं? मिलेंगे नहीं, खवातीन के क्यों मिलेंगे? मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, खवातीन के हम दर्द होती जी। अच्छा नहीं, ऐसा तो खैर नहीं हो सकता, ऐसा तो खैर नहीं भी हो सकता, तो फिर सकता हो सकता है, ऐसे बीबियां मुझे खुद सपोर्ट कर रही हैं बहुत ज्यादा जी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज मैडम नहीं नहीं, मैं कर ली कि कैसा नहीं हो सकता, बीबियां सपोर्ट करते हैं, बीबियों को वोट नहीं। मैंने पूछा कि खवातीन को आप किस लिहाज से कह रही है कि वो सपोर्ट करेंगे आपको? जरूर इसलिए करेंगी कि मैं खवातीन को जब ये पता चलेगा कि उनकी नुमाइंदा एक औरत है, तो हमारे देही इलाकों में ख़ास तौर पे कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ हो, मैं अपना आपको बताती हूँ कि जिस दिन से मैं सियासत में आई हूँ, मतलब पहले पाँच दो तीन साल वो औरतों से ही मुझे फ़ोन कराते थे, तो वो आंदियाँ सन बाजी साड़ी भी टॉप। नहीं मैडम, आपका जो बैकग्राउंड है ना सियासी वो तो बहुत बड़ा है ना, उसको माशाल्लाह उतना ही बड़ा। शौकत साहब बहुत खिदमतगार वगैरह कर थे, और मैं ये समझती हूँ कि आप देखिएगा कि जिस तरीके से काम करती हैं खवातीन, और कोई दो नंबरी कोई लारा नहीं, बड़ी जेन्युइन किस्म की सियासत, और सबसे बढ़ के ये मुस्लिम लीग नून की सीट है इन तमाम वजूहात के अलावा। अच्छा मैडम, आप जीत कर, आपको अल्लाह ने जीत देनी है क्योंकि ये नून लीग का गढ़ है, जाएगी। तो उसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है हल्के में? इंशाल्लाह ताला लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करूँगी, और जो जैसे शौकत काम करते हैं गरीब से, गरीब का भी काम करूँगी, और गरीबों की तो मैं पहले बड़ी हमदर्द हूँ, और उनको सपोर्टिंग करूँगी इंशाल्लाह ताला आवाम की फलाह के लिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।